सबसे पहले इस चैप्टर में बेटा हमने करना है कॉजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ रशियन रेवोल्यूशन का ईयर, तो आपके माइंड में इमीडिएटली ईयर कौन सा होना चाहिए, 1905। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा याद रखो कि जब हमने लॉन्ग क्वेश्चन करना है तो पॉइंट्स पॉइंट्स में करना है, लेकिन पॉइंट्स के भी आगे हमने शॉर्ट पैराग्राफ्स जो है वो बनाने हैं। तो इसके पहले हेडिंग्स याद रखो, कॉजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन टिप्स पे आपके होना चाहिए पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, सोशल कॉज, डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट पार्टीज। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग। हाँ जी उनैसा, मैंने अभी बताया, बोलो साथ में। कॉजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन 1905 फर्स्ट बैट। हाँ जी परमीत, फर्स्ट फर्स्ट मैनी कॉज सासा क्यों नहीं आपका भाई याद करते। हाँ जी गगन, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, सोशल कॉज, डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट पार्टीज। ठीक है, हाँ जी। अब हमने मेन, आपने ये हेडिंग्स लिखने हैं, हेडिंग्स को आगे हमने एक्सप्लेन करना है। लेकिन अब आप ये सोचो कि जो हेडिंग्स हैं ये भी आपको 3 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको शॉर्ट पैराग्राफ्स में इनके सबके पॉइंट्स याद करने हैं। अब आपने सबसे पहले लेना है पॉलिटिकल कॉज। जब भी हम किसी भी कंट्री के रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैसी थी और उनके रूलर का नाम क्या था। पॉलिटिकल कॉज में, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस में सबसे पहले हमने बताना है दैट ज़ार निकोलस सेकंड वाज द रूलर ऑफ रशिया। ज़ार, ज़ार का मतलब है किंग, TSAR, ज़ार मतलब किंग, और ज़ार की वाइफ कौन हो गई, ज़ारीना। ठीक है, ज़ार मतलब, ज़ार का नाम नहीं है, ज़ार का मतलब है किंग, ज़ारीना मतलब होगी क्वीन, और नाम क्या है, निकोलस सेकंड। ये मेन आपको पता होना चाहिए कि रशिया के जो, जिस टाइम पीरियड में रशिया में रेवोल्यूशन हुआ उस टाइम पीरियड में रशिया के जो है वो रूलर कौन थे, ज़ार निकोलस सेकंड। प्रॉब्लम क्या थी, दैट ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जब सारी की सारी पावर जो है वो सिंगल हैंड में होती है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। पॉलिटिकल कॉज में आपने ये बताना है ड्यूरिंग 1905 या बिफोर 1905 ज़ार निकोलस सेकंड ही वाज द रूलर ऑफ रशिया। फर्स्ट पॉइंट आ गया, इसी को पॉइंट वाइज याद करो। ठीक है, सेकंड पॉइंट पॉलिटिकल का हम बता रहे हैं दैट इन रशिया एट दैट टाइम ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज देयर। अब आपको ऑटोक्रेटिक का मतलब पता होना चाहिए, ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पावर्स आर इन सिंगल हैंड। सिंगल हैंड का मतलब किसके हाथ में थी, ज़ार के हाथ में थी। ही वॉज द होल एंड सोल डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द कंट्री। नो, हाँ, नो पार्लियामेंट वॉज देयर, नो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज देयर, एंड ही वॉज नॉट आंसरेबल टू द पीपल। ये हो गया ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, अगेन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होती है, द गवर्नमेंट इन विच ऑल द पावर्स आर इन सिंगल हैंड्स एंड पीपल दे वर नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ राइट्स। इसको और एक्सप्लेन, यानी कि पॉलिटिकल राइट्स सपोज अगर आपको और डिटेल में आता है तो और एक्सप्लेन कर दो, दैट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी वाज अ रिलीजन ऑफ ज़ार। क्रिश्चियनिटी मतलब ऑर्थोडॉक्स का मतलब कट्टर होना, फैनेटिक होना, अपने रिलीजन के लिए इतना कट्टर होना कि अपने रिलीजन को सिर्फ बेस्ट मानना और बाकियों को क्या मानना, इंफीरियर। और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी का मतलब आपको पता ही है कि क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन रिलीजन, एंड फॉर दैट He was not in favor of Muslims, यानी कि रशिया में जो मुस्लिम थे या नॉन क्रिश्चियन जो थे, नॉन क्रिश्चियन में कुछ ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है फैनेटिक, क्रिश्चियनिटी लिख दो, क्रिश्चियनिटी वॉज द मेन रिलीजन ऑफ ज़ार निकोलस सेकंड। ठीक है, एंड दैट्स वाई ही जस्ट फेवर्ड, फेवर का मतलब क्या होता है, सिर्फ उसने क्रिश्चियनिटी यानी कि जो क्रिश्चियन है उनको फेवर किया एंड बाकियों को उसने फेवर नहीं किया या डिस्क्रिमिनेशन हुआ, किनके साथ, जो नॉन क्रिश्चियन थे या जो मुस्लिम्स है। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिटिकल कंडीशन। और डिटेल में क्या लिख सकते हो, पॉलिटिकल राइट्स, किसी भी कंट्री में लोगों को पॉलिटिकल राइट्स का मिलना बहुत जरूरी होता है, बट इन रशिया पॉलिटिकल राइट्स वर नॉट गिवन टू पीपल, क्योंकि ऑटोक्रेटिक सिस्टम था तो ना ही, ना लोगों के पास पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का राइट था, ना ही लोगों के पास कोई वोटिंग राइट था, और ना ही लोगों के पास राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस था, ना ही लोगों के पास क्या था, राइट टू अपोज द किंग। ये सारे राइट्स आप इसमें लिख सकते हो, पॉलिटिकल राइट्स। सिंपल बता दो दैट पॉलिटिकल राइट्स वर नॉट गिवन टू रशियन पीपल। पॉलिटिकल राइट्स कौन से होते हैं,
राइट टू वोट वॉज नॉट गिवन, राइट टू फॉर्म पोलिटिकल पार्टी वॉज नॉट गिवन, दे वर नॉट फ्री टू अपोज किंग एंड हिज अनजस्ट पॉलिसीज. ठीक है, और क्या बता सकते हो पॉलिटिकल में? मतलब मैं आपको इतने पॉइंट्स बता रही हूँ ना, जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ, ठीक है, इनमें से कोई भी पॉइंट आप रीडिंग करो साथ साथ, एटलीस्ट ये आपके माइंड में होना चाहिए कि जब भी आप पॉलिटिकल रीजन बता रहे हो तो आपने कंट्री की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में बताना है. ठीक है, नो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज देयर, नो पार्लियामेंट वॉज देयर, ना पार्लियामेंट थी ना कॉन्स्टिट्यूशन. तो आप खुद सोचो कि ऐसी कंट्री की जब कंडीशन होगी तो लोगों को उस टाइम पीरियड में किस तरह से फैसिलिटीज या किस तरह से लोग जो है उस टाइम में रहते हैं. तो दिस वॉज अ रीजन, यही ये फर्स्ट कॉज था, यही सर्कमस्टांसेस थे, यही रीजन था दैट पीपल दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द किंग्स और ज़ार निकोलस गवर्नमेंट या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट. इट इज क्लियर, पॉलिटिकल कॉज क्लियर है. ये इंडिविजुअल अक्से क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट डाउन द पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस बिफोर 1905, कंडीशन बता दो या कुछ भी. अब आ जाओ सेकेंड, इकोनॉमिक. फर्स्ट हो गया पॉलिटिकल, सेकेंड आ जाता है इकोनॉमिक. जब भी बच्चे हम इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं ना, तो इकोनॉमिक कंडीशन में मेन याद रखो कि ऐसी कंडीशन बतानी है जो लोगों की अर्निंग से रिलेटेड, लोगों की इनकम से रिलेटेड. फर्स्ट तो हमने बता दिया पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक में हमने बताना है कि लोगों की इनकम के बारे में और उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या था कंट्री में. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो लोग थे उनके ऑक्यूपेशन को कैसे डिवाइड किया गया. सबसे पहले अपने माइंड में आपने रखना है कि रशिया जो था वो 1905 से पहले एक ग्रेन एक्सपोर्टर कंट्री. ग्रेन एक्सपोर्टर कंट्री का मतलब होता है कि रशिया पूरे वर्ल्ड को ग्रेन या वीट एक्सपोर्ट करता था. एक्सपोर्टर कंट्री का मतलब अल्टीमेटली वहां पे फार्मिंग ज्यादा होती होगी और इंडस्ट्रियल सेंटर कम होगी. तो हमने उसको परसेंटेज में डिवाइड कर देना है कि 85% पीपल देवर एग्रीकल्चरिस्ट एंड 15% पीपल देवर इंडस्ट्रियलिस्ट या वर्कर्स या अदर. अदर का मतलब होता है अदर ऑक्यूपेशन. पहले मेन परसेंटेज याद करो, बिफोर 1905 85% पीपल देवर इंगेज्ड इन फार्मिंग एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी कह लो, एंड 15% में हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, सेकेंडरी एंड टर्शरी को कंबाइन कर दिया. 15% जो थे वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड हम ये भी कह सकते हैं लेबर थे या अदर प्रोफेशन का मतलब बाकी प्रोफेशन को हमने इसमें क्लब कर दी. ये बन गया आपका फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक कॉजेज में सबसे पहले आपने मेन कंट्री की डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है. लेकिन अब ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बताई है. प्रॉब्लम कहाँ पे आई? दैट ऑल द इंडस्ट्रीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ज़ार, नहीं अंडर द कंट्रोल ऑफ नो गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट पीपल. यानी कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी ये ज़ार निकोलस के कंट्रोल में नहीं थी. प्राइवेट पीपल का मतलब होता है कि जो बिग इंडस्ट्रीज इन द कंट्री, और इसका मतलब क्या है कि बिग इंडस्ट्रीज को किसका सपोर्ट था? ज़ार का सपोर्ट. ठीक है, अगेन ऑल द बिग इंडस्ट्रीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट पीपल. प्राइवेटाइजेशन ज्यादा था, जैसे आजकल के टाइम पीरियड में फार्मिंग के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए रिवोल्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स. तो उस टाइम पीरियड में ये मेन प्रॉब्लम थी कि जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी ऑल वर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट पीपल. जब प्राइवेट पीपल की बात आती है तो इट मीन्स आप खुद सोचो कि रशिया उस टाइम पीरियड में कैपिटलिस्ट था या सोशलिस्ट था. मैक्सिमम प्रॉफिट तो लॉस किसको होगा? लॉस टू वर्कर्स. कैसे? थर्ड पॉइंट में आपने ये बताना है, जैसे मैंने आपको बताया सेकंड पॉइंट में आपने बता दिया दैट ऑल द इंडस्ट्रीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट पीपल, एंड थर्ड में फिर आप बताओगे द मोटिव ऑफ प्राइवेट पीपल और कैपिटलिस्ट वाज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट एंड फॉर दैट दे एक्सप्लॉइटेड वर्कर्स. प्रॉफिट कमाने के लिए हम क्या करते हैं वर्कर्स को जितना हमने सैलरी देनी है हम उसको कट कर देते हैं और उनकी जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो अपनी पॉकेट्स में डाल देंगे. लेकिन क्या अगर सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के हाथ में होंगी तो गवर्नमेंट ऐसा करती? नो. दिस वाज द मेन रीजन. थर्ड पॉइंट में आपने ये बताना है दैट ऑल द कैपिटलिस्ट देयर मोटिव वाज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट एंड फॉर दैट दे एक्सप्लॉइटेड वर्कर्स.
इकोनॉमिक कंडीशन में आपने ये बताना है कि वर्कर्स जो थे दे वर फेसिंग प्रॉपर एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन. फोर्थ पॉइंट में क्या बताओगे? एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन क्या, किस तरह की एक्सप्लॉयटेशन? सबसे पहले याद रखो वर्किंग आवर्स वर टू लॉन्ग. फोर्थ पॉइंट में आप बताओगे दैट इन द इंडस्ट्रीज और इन द फैक्ट्रीज वर्किंग आवर्स वर टू लॉन्ग. टू लॉन्ग का मतलब होता है 10 to 15 hours. अब एक वर्कर अगर 10 to 15 hours फैक्ट्री में काम कर रहा है, they were not given proper wages and salary. Working hours were too long and their wages were very low. ठीक है? And conditions, उनकी condition जो थी वो hygienic नहीं थी. They were employed in the unhygienic. Unhygienic का मतलब क्या होता है? फैक्ट्रीज जो है वो प्रॉपर वहां पे किसी भी तरह की क्लैनिनेस का ध्यान नहीं रखा जाता था. ठीक है? एंड एक्सीडेंटल डेथ या किसी के साथ कोई भी एक्सीडेंट होता था, नो कॉम्पनसेशन वॉज गिवन टू देम. आपको पता है आज के टाइम पीरियड में हमारे इंडिया में फैक्ट्री एक्ट है, और फैक्ट्री एक्ट में क्या होता है, वाइल ऑन जॉब अगर एनी पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट या किसी तरह से प्रॉब्लम होती है, सपोज अगर उसकी डेथ होती है तो उसकी जगह पे गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी और पर्सन को क्या मिलती है, जॉब मिलती है. प्लस अगर वो मेडिकल किसी भी तरह से हॉस्पिटलाइज है तो उसका सारा मेडिकल चार्ज गवर्नमेंट. आपने हाकिम शेख की स्टोरी पढ़ी हुई है, पढ़ी थी 7th or 8th में हाकिम शेख की स्टोरी, जिसमें ऐसा ही हुआ था कि उसको हॉस्पिटलाइज करने से हॉस्पिटल ने मना कर दिया, बाद में गवर्नमेंट ने क्लेम दिया, और उसके बाद उसके जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस आए, एक लेबर था और उसके सारे के सारे मेडिकल एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के द्वारा दिए. ठीक है? यानी कि जॉब के मतलब व्हाटएवर व्हाइल यू ऑन जॉब, जब आप जॉब करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो आपको रिनोमिनेशन या कंपनसेशन देती है. But at that time, this kind of compensation was not given in Russia. It means the condition of worker was worst. They were facing lots of trouble and exploitation. ये society में आएगा, social society में. Clear? First आपने क्या बताना है economic condition में? That 85% people they were agriculturists and 15% industrial center. इंडस्ट्रीज मेन कहाँ पे थी, ये भी लिख सकते हो. दो मेन सिटीज याद रखो पूरी रशिया में, मेन इंडस्ट्रीज दो सिटीज याद रखनी है, सेंट पीटर्सबर्ग एंड सेकंड वाज मॉस्को. सेंट पीटर्सबर्ग हम बार बार पढ़ेंगे, इसको तो अच्छी तरह से याद रख लेना. सेंट पीटर्सबर्ग जो था वो सिटी का नाम था. अब सिटी का नाम सेंट के नाम के ऊपर क्यों पड़ा? ये जर्मनी के सेंट थे पीटर्सबर्ग, उनके नाम के ऊपर इसका नाम पड़ा. बाद में आपको पता है इसका नाम चेंज कर दिया था, क्या रखा था इसका नेम, पेट्रोग्रेड. बाद में इसका नाम चेंज कर दिया, तब हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी सिटी का नाम याद रखो. मेन इंडस्ट्रियल सेंटर्स वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. ठीक है? इकोनॉमिक कंडीशन में थर्ड आपने बताना है दैट मेन मोटिव ऑफ कैपिटलिस्ट वाज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर दैट वर्कर फॉर एक्सप्लॉयटेड. किस तरह की एक्सप्लॉयटेशन? वर्किंग आवर्स वर वेरी लॉन्ग, दे वर नॉट गिवन ओवरटाइम. ओवरटाइम का मतलब होता है अगर बाद में उनको फैक्ट्री के किसी भी काम के लिए नाइट शिफ्ट या रात के टाइम रोकते हैं तो दे वर नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ ओवरटाइम चार्जेस. हाँ जी, आवाज नहीं है बिल्कुल भी. इसके बाद और आपने क्या बताना है? अनहाइजेनिक कंडीशंस वर देयर, कंपनसेशन वाज नॉट गिवन, मेडिकल एक्सपेंसेस वर नॉट गिवन, हॉलीडेज वर नॉट, मतलब उनको दी जाती थी जो हॉलीडेज उनको नहीं दी जाती. ठीक है? तो दिस वॉज द कंडीशन ऑफ वर्कर्स. इवन फार्मर्स वर नॉट सेटिस्फाइड. पहले हमने वर्कर्स का बता दिया, साथ में आपने ये भी बताना है दैट फार्मर्स वर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज उनकी क्रॉप्स के लिए किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं थी. ठीक है? क्रॉप्स की सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सपोज कोई पर्टिकुलर ईयर ऐसा होता है जिसमें बैड हार्वेस्ट होता है, या फिर उनकी क्रॉप्स जो है वो मार्केट में प्रॉपर नहीं बिक पाती है, तो उनके लिए चार्जेस या गवर्नमेंट किसी भी तरह से कोई भी चार्जेस जो है वो डिसाइड नहीं करती. तो आपने जो सिंपल इतना याद रखो दैट फार्मर्स वर नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी बाय द गवर्नमेंट. हमने बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं, यू कैन राइट डाउन. सपोज अगर आपको अलग से क्वेश्चन आता है, 5 marks में क्वेश्चन आता है, राइट ओनली पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन. कर लोगे अकॉर्डिंग टू 5 marks? अगर पूरा आता है तो बाकी सारे 5 हेडिंग बताने हैं. अगर इन्हीं दोनों पे आता है तो पॉलिटिकल कॉजेज एंड इकोनॉमिक कॉजेज. अब आ जाओ थर्ड, सोशल कॉजेस. सोशल में आपने बताना है सोसाइटी. जैसे आपने फ्रांस की सोसाइटी याद की थी, एस्टेट सिस्टम.
ऐसे ही आपने रशिया की सोसाइटी याद रखनी है, लेकिन इसमें एस्टेट भूल जाओ, बाकी सारी क्लासिफिकेशन सेम है, लेकिन आपने इसमें एस्टेट वर्ड नहीं लिखना, वो सिर्फ फ्रांस में था एस्टेट वर्ड। यहाँ पे आप सिर्फ क्या लिखोगे, दैट इन रशिया बिफोर 1905 सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स मतलब नंबर वन ज़ार एंड नोबिलिटी, यानी कि किंग और उसके मिनिस्टर्स, सेकेंड क्या था चर्च पीपल, एंड थर्ड में सारे ही आप लिखोगे ऑल द कॉमन पीपल, कॉमन पीपल में सारे ही आ गए जो वर्कर्स थे या फार्मर्स, कॉमन पीपल आ गया ना, कॉमन बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स या जो भी एजुकेशनल्स या जो भी है, तो सारा फिलोसफर्स इसमें आ गए। ओके, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, नंबर वन ज़ार एंड नोबिलिटी, एक तरफ ज़ार और उनके नोबल्स मिनिस्टर जो एडमिनिस्ट्रेटिव VIP कह लो, अरिस्टोक्रेट्स कह लो। सेकेंड चर्च पीपल जो चर्च में थे, क्योंकि उस टाइम क्रिश्चियनिटी थी तो चर्च का बहुत होल्ड था, क्लर्जी कह लो, लेकिन क्लर्जी वर्ड यहाँ पे नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे चर्च पीपल। एंड थर्ड कॉमन, कॉमन पीपल में दोनों ही आ गए, रिच पीपल एंड पुअर पीपल, बिजनेसमैन, फार्मर्स, आर्टिसंस, सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें आपने स्टेट सिस्टम नहीं बताऊंगी। ये तो आपने सिर्फ बताया सोसाइटी की डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम कहाँ पे थी, मेन प्रॉब्लम वॉज बिटवीन मैन एंड वुमेन। सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी मेन, दैट विमेन मोर देन 31% वर्क इन फैक्ट्रीज, यानी कि पूरी कंट्री में, पूरी अगर पॉपुलेशन में देखा जाए ना, पॉपुलेशन की बात करें तो 31% ऑफ वुमेन दे वर्क इन द फैक्ट्रीज, बट दे वर नॉट गिवन इक्वल सैलरीज, दे वर पेड लेस। ये बताओगे आप, सेकेंड पॉइंट में आपने बताना है दैट नो 31% ऑफ द रशियन पॉपुलेशन वुमेन, 31% सिंपल लिखो, 31% वुमेन दे वर्क इन द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज लिख लो या कहीं भी, मतलब मेन आपने बताना कि दे वर वर्कर्स, चाहे वो फैक्ट्री में नहीं भी थी, कहीं भी काम करती थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, दे वर नॉट गिवन इक्वल वेजेस एज कम्पेयर टू मैन, अनजस्ट था, अनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब होता है कि मैन एंड वुमेन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर, थर्ड मेन बताना है, इवन इन द फैक्ट्रीज वर्कर्स विद टेक्निकल एजुकेशन दे वर रिस्पेक्टेड, यानी कि जिन लोगों को मशीन चलाने की नॉलेज थी, टेक्निकल नॉलेज थी, स्किल की नॉलेज थी, दे वर गिवन रिस्पेक्ट एंड हाई सैलरी, उनके वेजेस ज्यादा थे एज कंपेयर टू अदर्स। वर्कर्स विद द टेक्निकल नॉलेज, हाई टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल, जिनको हाथ की स्किल या किसी भी तरह से उनको मशीन चलाने की नॉलेज थी, दे वर गिवन मोर वेजेस, एंड देयर यूनिफॉर्म वॉज डिफरेंट। एक ही फैक्ट्री में अलग अलग तरह के वर्कर्स थे, उनकी सैलरीज, उनकी यूनिफॉर्म भी अलग अलग होती थी, तो एक तरह से वर्कर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था, देयर यूनिफॉर्म वॉज डिफरेंट। अब सबसे ज्यादा कंडीशन वर्स्ट किन की थी, जो लोडिंग या अनलोडिंग का काम करते थे, द कंडीशन ऑफ वर्कर्स, The condition of workers bearing load, load का मतलब क्या होता है, जो boxes को loading करते हैं, unloading करते हैं या manual काम करते हैं, their condition was not proper. The condition of workers, for example, dockyards में जो काम करते थे, dockyard workers थे, loading का काम करते थे या manual काम करते थे, their condition was worst. ना उनकी salaries अच्छी थी और ना ही उनका condition society में status अच्छा था, उनकी यूनिफॉर्म का कलर भी डिफरेंट होता था, एंड दे वर नॉट गिवन रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। क्लियर? हाँ जी, ओके। इन द फैक्ट्रीज और इन द इंडस्ट्रीज वर्कर्स विद द टेक्निकल नॉलेज और स्किल दे वर गिवन हाई वेजेस, एंड वर्कर्स डूइंग द वर्क ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग दे वर गिवन लेस वेजेस, देयर यूनिफॉर्म वॉज डिफरेंट and they were discriminated, they were not respected in the, they were not given respect in the society. Clear? अब आ जाओ एक और, commune system क्या था? Communist आपने पढ़ा ना, word communist क्या है? Party का नहीं, हमेशा आपने पढ़ा कि चाइना की आज भी communist party है। Commune word का मतलब क्या होता है? Commune is group.
अब सिंपल लैंग्वेज में कम्युनिटी का वर्ड मैं आपको ये बोलूँ कि सपोज चार अलग अलग मतलब जो है वो लोग हैं, वो अलग अलग एरिया से आते हैं, ठीक है, उन्होंने एक ही फैक्ट्री में जाना, तो वो अलग अलग व्हीकल्स नहीं बल्कि वो आजकल के टाइम पर लोग क्या करते हैं, इसको इस टर्म को क्या बोलते हैं, कार पूलिंग करना. पूलिंग मीन्स कार पूलिंग क्या होती है, कार पूलिंग क्या होती है, एक पर्सन क्या करेगा, ठीक है, वो अपनी कार लेकर आएगा, वो कहेगा कि मंथली मैं कार लेकर जाऊंगा और मैं आप सबको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी होगी, वट एवर जो भी पेट्रोल के चार्जेस होंगे दे विल डिवाइड अमंग द फूड. ऐसी कुछ कंडीशन, ये मोस्टली ना बॉम्बे दिल्ली सिटीज में होता है, पोल्यूशन को कम करने के लिए, ट्रैफिक जैम को कम करने के लिए इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज जो है वो इस तरह के कुछ मेथड जो है वो अपने एम्प्लॉयर्स को सजेस्ट करती है. नेक्स्ट मंथ कोई और पर्सन अपनी कार लेकर जा सकते हैं, इससे क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, पेट्रोल कम लगेगा. चार लोग अलग अलग आएंगे तो बेटर है कि एटलीस्ट एक ही जगह से आ रहे हैं या अलग अलग एरिया से आ रहे हैं, पहुंचना तो एक ही जगह पे, ट्रैफिक जैम कम होगा, ऑड इवन फॉर्मूला, ठीक है. तो ये जो है रशिया की बात करें, कम्युनिस्ट सिस्टम का मतलब है कि रशिया में जो फार्मर्स है ना, जब उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिलती थी तो ये फार्मर्स क्या करते थे, मिलकर खेती करते थे. कॉम्यून, कॉम्यून का मतलब क्या होता है, सारी की सारी लैंड को कॉम्यून का मतलब है ग्रुप कर लिया जाता है. ग्रुप का मतलब होता है जिसके जो फार्म है व्हाटएवर, वो फिर खेती करते हुए ये नहीं देखते कि किसके फार्म पे खेती कर रहे हैं, वो कॉम्यून, कॉम्यून का मतलब क्या होता है, मिलकर खेती करते. और पूरे विलेज के जितने भी फार्म थे उनका एरिया डिवाइड कर लिया जाता था, और लैंड जो है, लैंड में जितने भी उनको इनकम आती थी आफ्टर द सेल एंड परचेज ऑफ द क्रॉप्स दे डिवाइड द प्रॉफिट अमंग ऑल. इस सिस्टम को क्या बोलते थे, कॉम्यून सिस्टम. और यही कॉम्यून सिस्टम आगे जाकर इतना पॉपुलर हुआ कि पार्टीज का नेम इसके बेस पे रख दिया, कम्युनिस्ट पार्टी. और रशिया जो है वो, चाइना कौन सी पार्टी है, चाइना सॉरी कौन सी कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री मानी जाती है. कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है, जो ग्रुप में काम करती. और आज के टाइम में चाइना में जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में. इवन रशिया, रशिया भी कम्युनिस्ट कंट्री है, रशिया भी एक ऐसी कंट्री सोशलिस्ट कंट्री है जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज किसके अंडर है, आज के टाइम में किसके अंडर है, गवर्नमेंट. लेकिन वंस दे वर अंडर कंट्रोल ऑफ प्राइवेट पीपल. रेवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशन के बाद चेंजेस आए. हमने मेन ये पढ़ने की रशिया एक सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कंट्री कैसे था, यहाँ तक क्लियर है. ये आपने मेन जस्ट इस पॉइंट को मैंने इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए कि कम्युनल सिस्टम क्या होता है. सोसाइटी में आप ये बताओ कि सोसाइटी काम कैसे करती थी, फार्मर्स दे पूल देयर लैंड, दे पूल देयर लैंड एंड this system was called commune system and after sale and purchase of their crops the profit was divided among all. farming ka kaam aise hota. maine aapko teeno categories bata di, discrimination between men and women, discrimination between workers in the industries. lekin farmers apne aap, farmers ke beech mein koi discrimination nahi tha, farmers kya karte the, milkar agriculture karte the. but problem tab aayi when they had to pay taxes to the government, यानी कि इनके ऊपर क्या कर दिया गया, फिर high taxes लगा दिए गए. problem क्या आई, society में problem क्या आई, that farmers they had to pay high taxes to the government. अब farmers को ये लगा कि government को help तो कर नहीं रही, बल्कि बजाय उनसे tax ले रही है, तो this was the main problem. ये cause बना, social cause या social circumstances for revolution. clear है यहाँ तक. अब अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि बेटा write a note on economic and social causes of Russia. You can write economic cause and you will write social causes. Clear? Three causes clear? अब आ जाओ different groups. जो है causes कैसे बने? Have it properly. Groups जो है वो cause कैसे बने? Different groups in Russia. अब groups के लिए आपको पहले उनके name पता होने चाहिए कि रशिया में, या रशिया में नहीं, यूरोप में उस टाइम में कौन कौन से groups थे जिनके बेसिस के ऊपर जो है वो लोगों की थिंकिंग डिवाइड हो गई. जितने भी ग्रुप्स लिख रही हूँ ना, इन सबसे रिलेटेड आपको वन मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है या डिफरेंस भी आ सकता है. डिफरेंस थिंकिंग, थिंकिंग के बेस के ऊपर, इनकी आइडियोलॉजी के बेसिस के ऊपर. लिबरल्स, रेडिकल्स, डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट, कंजर्वेटिव.
एक टर्म मैंने आपको भी बताई है कैटलॉग। एंड एक और रेवोल्यूशन। आप बुक में ये सारी टर्म्स अलग अलग बुक में है पढ़े होंगे आपने, ठीक है। ये मेन रशिया में अलग अलग ग्रुप से, रशिया में नहीं बल्कि यूरोप में ये सारे ग्रुप से, लेकिन हम पढ़े रशिया के बारे में। तो सबसे पहले आपने ये बताना है दैट जैसे आपने फ्रांस में किया था ना, बाय रीडिंग द बुक्स ऑफ डिफरेंट फिलोसफर्स मेनी पीपल दे ब्रॉट रेवोल्यूशनरी आइडियाज इन द सोसाइटी। इसमें कौन कौन से लोगों का मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है रेवोल्यूशन लाने में? नंबर वन, नाम से पता लगता है रेवोल्यूशनरी, ठीक है। नंबर टू, लिबरल्स, बिकॉज दे डिमांडेड मेनी न्यू डिमांड्स, क्योंकि बहुत सी डिमांड्स थी। रेडिकल्स, रेडिकल्स की भी बहुत सी डिमांड थी। डेमोक्रेट्स, डेमोक्रेट्स जो कंट्री में ऑटोक्रेटिक सिस्टम को क्या करना चाहते थे, चेंज करना चाहते थे, क्या लेके आना चाहते थे, डेमोक्रेट, ठीक है। सोशलिस्ट, कार्ल मार्क्स, जब भी सोशलिस्ट का नाम आता है ना तो आपको सबसे पहले नाम याद होना चाहिए कार्ल मार्क्स। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था? दास कैपिटल एंड द अपोज। दास कैपिटल में उन्होंने किसको अपोज किया? कैपिटलिस्ट को, ठीक है। देन अब ये दो टर्म्स है, ये कौन थे, कौन थे ये? कंजर्वेटिव्स एंड कैपिटलिस्ट। अब हम इन्हीं सभी ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन डिफरेंट ग्रुप्स एसोसिएटेड और डिवाइडेड इन रशिया बिफोर 1905। पॉजेस में हम बताएंगे दैट द सोसाइटी वाज आल्सो डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजी। एक तो मैंने बताया कि प्रोफेशन के बेसिस के ऊपर सोसाइटी को डिवाइड किया गया। दूसरा, पीपल वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग। सबसे पहले रेवोल्यूशनरीज कौन थे? रेवोल्यूशनरीज वर दोज पीपल हु वांटेड टू ब्रिंग सडन चेंज। सडन चेंज का मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन लाकर वो ज़ार निकोलस सेकंड को क्या करना चाहते थे? चेंज करना चाहते थे, ठीक है। रेवोल्यूशनरीज, इन्होंने आगे जाकर पार्टीज बनाई। कौन से दो रेवोल्यूशनरीज पढ़े हमने? करेंसकी एंड लेनिन, पढ़ा ना अपने। पार्टीज कौन सी पार्टी? बोल्शेविक एंड मेंशेविक। लिबरल्स, लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स वर दोस पीपल। यहाँ पे बेटा सबसे पहले लिबर वर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर। लिबर का मतलब होता है फ्री, और इसी से ही वर्ड बना है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, यानी कि लिबरल वर दोस पीपल हु वांटेड फ्रीडम। किस सेंस में फ्रीडम चाहते थे ये? दे वांटेड फ्रीडम फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ ज़ार निकोलस सेकंड, ठीक है। एंड किस किस तरह की, अब लिबरल्स की ना डिमांड्स, एक अलग से क्वेश्चन सपोज आपको आ सकता है, सेपरेट नोट कर लो। लिबरल्स की डिमांड्स क्या, कौन थे लिबरल्स और उनकी डिमांड्स क्या? नंबर वन, लिबरल्स वर दोज हु बिलीव इन इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स मतलब नॉट वुमेन, यहाँ पे ये याद रखना है कि उन्होंने वुमेन को सपोर्ट नहीं किया। इक्वल राइट्स अमंग रिच एंड पुअर, equal rights among rich and poor, or they believe in parliamentary form of government. वो चाहते थे कि कंट्री में क्या हो, पार्लियामेंट होनी चाहिए। they believe in parliament, वो चाहते थे कि कंट्री में पार्लियामेंट होनी चाहिए। and to form constitution, वो कंट्री के लिए क्या बनाना चाहते थे? constitution. and voting rights, they also demanded voting rights, political rights kya lo, voting rights, but only for men. only for men. they believe in parliamentary form of government ka matlab hai wo chahte the ki parliament honi chahiye taki king ki powers ko kya kiya jaye, constitution ho taki king ki powers ko restrict kiya jaye, check kiya jaye, jaise louis 16 ke time par mein parliament bani. लिबरल्स, ओके, अब मैं आपसे ये पूछूं, लिबरलिज्म क्या होता है? जो उनकी थिंकिंग है वही आइडिया हो गया ना, लिबरल हो गया पर्सन, लिबरलिज्म क्या हो गई?
थिंकिंग. लिबरलिज्म क्या होता है? थिंकिंग इन विच पीपल बिलीव इक्वल राइट्स फॉर ऑल, वोटिंग राइट्स एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन. Who were liberals? Liberals कौन थे? Those who demanded equal rights for all and voting rights, parliamentary form of government and constitution. इसका मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों ने thinking, इनकी thinking के कारण ही कहीं ना कहीं लोगों ने जो उस time period में जो at present scenario था उसको change करना चाहते. Clear? आगे आ जाओ radicals. अगर मैं बच्चे आपसे ये पूछूं कि who were radicals, आपने क्या बताना है? Radicals were the supporter of liberals. Radical हर thinking में liberals को support करते थे. लेकिन एक point पे, हाँ जी हैविश, एक point के लिए इनके बीच में dispute था. That was regarding universal adult franchise. Radicals believed in universal adult franchise, मतलब voting right to all men and women. यानी कि radical जो थे वो women को भी voting rights देने के favor में. बाकी सारे पॉइंट्स पे ये लिबरल्स के साथ एग्री करते हैं. दे बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. दे आल्सो डिमांडेड राइट्स फॉर वुमेन. आगे आ जाओ डेमोक्रेट्स. डेमोक्रेट्स कौन थे? दोज हु वर द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी कंट्री में लाना चाहते थे. एंड they wanted to change monarchy and autocratic system. Democrats, those who were in favor of democratic government and opposed monarchy and autocratic rule. ye elections karwana chahte the country mein. they were in favor of conducting elections in the country. ye country mein elections karwana chahte. next are the socialists. iska matlab ye nahi ki alag alag the. हो सकता है कोई पर्सन सोशलिस्ट भी हो सकता है, डेमोक्रेट्स भी हो सकता है. जस्ट मैं थिंकिंग बता रही थी. बाकी मैं ये खाना होगा नेक्स्ट वीक ना.